क्या अमेठी से वरुण होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार? अगर एक और गांधी कांग्रेस में आए तो क्या होगा? बीजेपी का नुकसान और कांग्रेस का होगा बंपर फायदा। वरुण गांधी नई बीजेपी में मिसफिट रहे हैं। तेवर तो 2019 के पहले ही बदल गए थे, बाद में आक्रामक होते गए। किसान आंदोलन के दौरान तो लगा जैसे किसी और पार्टी के नेता हों। वरुण गांधी अभी युवा हैं, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और सांसद बने रहना चाहते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बीजेपी से ज्यादा चाहती है। उनके साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करेगी और 2024 में मोदी के खिलाफ एक हथियार के रूप में उनका इस्तेमाल करेगी। उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी सरगर्मी के बीच कई लोगों की नजरें इस बात पर भी हैं, वरुण गांधी आगे क्या करते हैं। क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी या वे कांग्रेस में शामिल होंगे? अगर वे पाला बदलते हैं तो क्या वे अमेठी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? क्या उन्हें कांग्रेस और सपा का समर्थन मिल सकता है? क्या है खबर, आइए आपको विस्तार से बता दें। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या अमेठी से वरुण होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार? पिछले काफी समय से वरुण गांधी भाजपा से दूरी बनाकर चल रहे हैं। अखबारों में उनके कई लेख छपे हैं जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। वरुण गांधी की अपने भाई राहुल गांधी और बहन प्रियंका गांधी से जो नजदीकियां रही हैं, वे किसी से छुपी नहीं है। वरुण गांधी के लिए भाजपा से टिकट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। उनकी माँ मेनका को भाजपा टिकट देगी, इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है। जहाँ तक रायबरेली की बात है तो प्रियंका अगर वहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो यह अच्छा संकेत होगा। अमेठी के लिए है कि राहुल गांधी तो इस बार नहीं लड़ेंगे, वरुण हो सकते हैं जैसी चर्चा चल रही है। इसमें देखना होगा कि गांधी परिवार क्या उन्हें आगे करता है। वरुण को राहुल गांधी करेंगे स्वीकार? 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री हुई थी। कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद ही प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तब भी वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तों की दुहाई देते हुए उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की खूब चर्चा हुई। क्या राहुल गांधी को तब भी आपत्ति होगी जब वरुण गांधी RSS की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने को तैयार हों? क्या राहुल गांधी ने कभी वरुण गांधी के बारे में ऐसा विचार किया है? फिर वो कैसे कहते कि जो संघ और बीजेपी से डरते हैं उनको कांग्रेस से बाहर भेज दो और उधर से जो अच्छे लोग हैं उनको कांग्रेस में लाओ? हाल की एक्सपोज छोड़ दें तो वरुण गांधी तो वही सब बोलते हैं जो राहुल गांधी को पसंद है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राहुल गांधी को अखिलेश यादव दोबारा पसंद आ जाते हैं और वरुण गांधी एक बार भी नहीं?